मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल कुर्ला में शव यात्रा के दौरान गुस्साई भीड़ और पुलिस वालों में जमकर बवाल हुआ, यहां तक कि पुलिस पर पथराव भी हुआ। करीब 7 महीने पहले एक 17 साल की लड़की लापता हो गई, जिसकी शिकायत लड़की के पिता पंचाराम रिठारिया ने नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, मगर लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस की तरफ से बार बार लड़की के पिता को एक ही जवाब मिल रहा था कि जाँच जारी है, जिसके बाद पिता पंचाराम हताश होकर लोकल ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। 7 दिन पहले पंचाराम ने आत्महत्या की थी, मगर शव परिजन लेने से मना कर दिए थे। मंगलवार को जब शव यात्रा निकाली गई तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस वालों को निशाना बना दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई। खबर ये भी है कि कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। किस तरह का मंजर था, देखें ये वीडियो। जो इतनी संख्या में तादाद में पब्लिक जमा हुई है, इसका कारण एक ही है कि हमें न्याय नहीं मिला है। और ये घर की 17 साल की बच्ची 7 महीने पहले घर की है, उसके बाप ने आत्महत्या की है, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। और हमारे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई समर्थन दे, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं मिला हमें अभी तक, इसीलिए पब्लिक वोट होती है। कुछ कारण नहीं कि भाई एक गरीब जनता को ध्यान दिया गायब है, लेकिन अभी तक उसका ना पुलिस ने जाँच की है, मतलब कहाँ है, कैसा है, ना आश्वासन मिल पा रहा है कि लड़की मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। और जिन्होंने आत्महत्या की है लड़की के पिता ने, वो ना 7 महीने तक पीछे घूमे पुलिस के, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यही जाते थे तभी भी बोलते थे कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन उनको कभी भी ऐसा मतलब विश्वास नहीं मिला कि लड़की मतलब मिल सकती है। वो पॉलिटिशियन के पास भी गए और लोगों के पास भी गए, अध्यक्ष के पास भी गए यहाँ के, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। उन्होंने भी यही कहा कि लड़की हम लोग काम चालू है और जिनका हाथ है वो बोल रहे हैं कि मतलब हमारी लड़की है सेफ है, 18 महीने के बाद आएंगे, 18 साल के बाद आएंगी। लड़की लाभार्थी है तो बोल रहे हैं कि बालिक होगी तब आएगी, ऐसा है कुछ भी नहीं है। इधर आके दोनों जने थक गए, हम लोग रोज इधर आते रोते जाते, कुछ नहीं है उसके साथ में। फिर वो अभी आखिर में बोलता है उसके वजह से मैं मरेगा। कुछ लोगों ने उसमें से पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस अधिकारी के ऊपर, कांस्टेबल के ऊपर जानलेवा हमला किया और वो गंभीर घायल हुए, उनको हॉस्पिटल भेजा है और उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को ताबे मिले और कार्रवाई हमारी चालू है। हालांकि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया, जिसके बाद काफी देर बाद मामला जाकर शांत हुआ। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।